बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डार किचन से मैं हूँ अदीश डार। आज अपने नाज़रीन से हम गार्लिक ब्रेड बनाने का आसान तरीका शेयर करेंगे। आज की रेसिपी में हम दो तीन मुख्तलिफ स्टाइल की गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, तो चलते हैं डार किचन में। नाज़रीन, आज की रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे आधा कप बटर का। नाज़रीन, आज की रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून नमक का। हाफ टी स्पून हमने ली है काली मिर्च, एक टी स्पून हमने पार्सली का लिया है, और एक टी स्पून हम ओरिगानो का डालेंगे, और तीन लहसुन के दाने इस्तेमाल करेंगे आज की रेसिपी में। नाज़रीन, आप ये फ्रेश लहसुन जो हमने आपसे शेयर किया था, इसको क्रश करते हैं। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, लहसुन को हमने बारीक बारीक करके बटर के अंदर डाल दिया है। अब हम जो मसाले आपसे शेयर किए थे, वो इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मसालों को इसके अंदर मिक्स करेंगे। नाज़रीन, ये बटर हमारा तैयार हो चुका है। हमने मसालों को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लिया है, तो अब हम जिस ब्रेड पे गार्लिक ब्रेड बनाएंगे वो आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, जो ब्रेड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस पे हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राउन ब्रेड या और दूसरी ब्रेड आप इस्तेमाल करना चाहें, तो उसके भी आप गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। तो आप इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे इसको, तो दरमियान में से इसके दो हिस्से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ऐसे इसको काट लेंगे। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब हम गार्लिक ब्रेड को गार्लिक बटर लगाएंगे। अब इसको गार्लिक बटर कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने तमाम मसाले डाल लिए हैं। गार्लिक भी डाल लिया फ्रेश। ये इस तरह इसको लगाएंगे, ये आप देख रहे हैं। ओवन हमने अपना चला दिया है, उस वक्त तक ओवन हमारा गर्म हो जाएगा जब तक इसको हम लगाएंगे। इस तरह हमने सबको लगा लेना। तो इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को बना के दें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमारे लिए दुआएं करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला आपके लिए दुआएं करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमने सारी ब्रेडों को बटर लगा दिया है। तो इस तरह हमने इसको ट्रे में सेट किया है। यही ट्रे को हम दोबारा ओवन में डालेंगे। अब इसके लिए हम मोज़रेला चीज़ काटते हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये हमने फ्रेश मोज़रेला लिया है, तो इसको हम स्लाइस की शक्ल में काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं, ऐसे बारीक बारीक इसको काटेंगे, तो कुछ ब्रेड के ऊपर हम ये लगाएंगे। नाज़रीन, आज की रेसिपी में हम बेबी टमाटर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप ऐसे देख सकते हैं, इसको इस तरह हम गोल गोल काटेंगे, तो ब्रेड के ऊपर से जाएंगे बाद में। नाज़रीन, आज की रेसिपी में हम फ्रेश बेजल लीफ इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश मोज़रेला इस्तेमाल करेंगे, ये बारीक कटा हुआ मोज़रेला आप देख रहे हैं ये भी इस्तेमाल करेंगे, और बेबी टमाटर हमने छोटे छोटे काटे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब हम टॉपिंग लगाते हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। दो तीन पे हम ये लगाएंगे, दो तीन के ऊपर हम लगाएंगे वो दूसरी चीज़ें।
नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ट्रे में हमने मुख्तलिफ तरीकों से टॉपिंग लगा के हमने सजा लिया है। तो अब हम ओवन हमारा गर्म है उसके अंदर रखते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे ओवन के अंदर, तो ये हमारी आज की गार्लिक ब्रेड तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन आप देख रहे हैं हमने ब्रेड को ओवन से निकाल लिया है, तो ये हमारी गार्लिक ब्रेड तैयार है। अब इसको हम प्लेटों के अंदर सजाते हैं। इसके ऊपर ये जो लीवर हमने आपसे शेयर किए थे, ये इसके ऊपर डेकोरेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन आप देख रहे हैं कि आज की हमारी गार्लिक ब्रेड डिफरेंट स्टाइल के साथ तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपने खास दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और ये मुश्किल वक़्त में जो कोरोना के हालात हैं उनसे बचाए। अल्लाह ताला आप सबका हमनसर हो। हमें डार्क किचन से इजाज़त दीजिए, नई रेसिपी के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें।